अरवल में जिला परिषद की सामान्य बैठक को अरवल में जिला परिषद सदस्यों ने बहिष्कार किया है। जी हां, अरवल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष सहित सभी जिला परिषद सदस्यों ने जिला परिषद की सामान्य बैठक को बहिष्कार किया है। इसके बाद समाहरणालय में अध्यक्ष सहित सभी सदस्य धरने पर बैठ गए। जिला परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी सहित सभी जिला परिषद सदस्य मांग कर रहे हैं। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष संध्या देवी सहित सभी जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद के गठन के 8 माह के बाद भी अरवल जिले में एक भी योजना शुरू नहीं की गई है। संबंधित पदाधिकारी की लापरवाही से जिला परिषद के कार्यों में रुकावट पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। पूछा इनसे, अभी तो प्रशासन तो बेटा दूध दिए नहीं है, क्यों नहीं दे रहा है? इनका कहना है कि मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो 2006 पंचायती राज अधिनियम के नियम है उसका अनुच्छेद 88 में कहता है जो मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी होंगे वे समस्त कार्य करने हेतु प्राधिकार है, लेकिन ये बात मानने को मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी तैयार नहीं है। इन्होंने कहते हैं कि नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मैंने संचिका को DDC साहब को भेजूंगा, लेकिन अब जब इनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी विभाग से हो गई है पालन प्रशासन से, ये मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी होंगे अरवल के, तो ये कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ये एक टाल बेटाल करने का तरीका। हम लोग को अभी तक 8 महीना हो गया शपथ ग्रहण का, अभी तक कोई योजना चालू नहीं हुआ है। अभी तक कोई योजना और प्रशासनिक दृष्टि भी नहीं दिया जा रहा है। सभी पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग धरना पर मनमानी कर रहे हैं। पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग के साथ वो कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? 9 सदस्य। सभी लोग? सभी सदस्य पूर्ण रूप से। क्यों आप लोगों को बैठना पड़ा? सारे पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है। हम लोग चुनाव जीत के शपथ ग्रहण होने के पश्चात 8 महीना बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है, जिला परिषद के सारे काम अवरुद्ध हैं, जिस कारण से हमें सारे जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्मानित सारे सदस्य हम लोग विरोध कर रहे हैं इस मीटिंग का, कि हम लोग इस मीटिंग में सिर्फ चाय, नाश्ता और बैठक के लिए नहीं आते हैं। हमें जनता का काम चाहिए, जनता हमसे काम मांगती है, न कि यहाँ आके चाय, नाश्ता और मीटिंग। क्या मीटिंग के दौरान आपकी बात नहीं सुनी जाती? मीटिंग होती है और होने के बाद उसको सुना नहीं जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है और बस ऐसे प्रोटोकॉल होना चाहिए। DM से मिले? जी, DM से मिले हैं हम लोग। DM क्या बोले? आए थे अभी तो उनसे बात हुआ तो बस बोले कि नहीं 1-2 महीना ऐसे करके बोले कि नहीं 1-2 महीना में काम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ महीनों पहले जब हम लोग DDC से मिले तो DDC बोले कि अभी हम लोगों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का नहीं मिला है, तो जब हम लोगों को मिल जाएगा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।